दिल्ली में नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली विधानसभा में पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को खारिज करने का प्रस्ताव पास किया गया। आप विधायक संजीव झा इस मुद्दे पर विधानसभा सदन में प्रस्ताव लाए। आप विधायकों ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को खारिज करने की मांग की है, जिसे सदन ने पास कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने विधानसभा में इस मसले को उठाया और आरोप लगाया कि ये नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। साथ ही इस नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी किया गया है। 1984 बैच के आईपीएस अफसर गुजरात कैडर के हैं श्री राकेश अस्थाना जी, जिनकी नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे हुई है। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि चार दिन उनके केवल रिटायरमेंट के रह रहे थे, तो चार दिन पहले ना केवल उनकी नियुक्ति की गई है बल्कि एक साल का एक्सटेंशन भी दिया गया। मुझे लगता है कि ये नियुक्ति ना केवल असंवैधानिक है बल्कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है, और जो एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर है ये उसके भी खिलाफ है। राकेश अस्थाना की नियुक्ति का आपके सभी सांसदों ने जमकर विरोध किया और असंवैधानिक करार दिया। सदन में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। हालांकि बीजेपी विधायकों ने आपके इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए अस्थाना की नियुक्ति को सही ठहराया है। विपक्ष के नेता रामवीर विदुड़ी ने सदन में कहा है कि ईमानदार शानदार पुलिस कमिश्नर के बारे में जो कुछ रूलिंग पार्टी के विधायकों ने कहा है उससे बीजेपी सहमत नहीं है। पुलिस आयुक्त श्री राकेश अस्थाना जी के बारे में बोलने दीजिए, उनको जो बोलना चाह रहे हैं बोलने दीजिए। जो कुछ भी रूलिंग पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा है मैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उससे सहमत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स के पास श्री राकेश अस्थाना जी के बारे में जानकारी का अभाव है। मैं इस ऑनरेबल हाउस को यह जानकारी देना चाहता हूं कि श्री राकेश अस्थाना जी को 2001 में उनकी शानदार सेवाओं के लिए पुलिस मेडल दिया गया, और उसमें आज के जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं श्री अमित शाह जी का उनका कोई योगदान नहीं था। दिल्ली विधानसभा के दो दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया, जिसके बाद हंगामे की वजह से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता और एक और विधायक को मार्शल के जरिए बाहर भेजा गया था। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। मैं बात कर रहा हूं। मैं अभी